असलम डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरत से होंगे ओके वंस अगेन वेलकम टू शायद सर एजुकेशन पॉइंट बेटा फर्स्ट ऑफ़ ऑल बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद मुबारक एंड प्लस माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू बी रिलैक्सड एंड कीप गोइंग तो जैसे आपकी प्रेपरेशन चल रही है तो आप कंटिन्यूसली ट्रैक uh, से uh, नहीं हटेंगे तो जैसा मैंने आपको बोला है कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई करेंगे आ, तो मैं भी आ, कोशिश करूंगा कि ये जो चार दिन पाँच दिन बचे हैं आपके लिए दुआ के साथ साथ हम आपको ये सारे एम जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उतने आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो चलिए भाई बिना देर किए हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एम और वो भी यूनिट नंबर सेकेंड से ठीक है तो यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मैंने पेड बैच में वो कंप्लीट किया है अब यहाँ पे मैं यूनिट नंबर सेकंड की एम सी क्यूज़ करने वाला हूँ आज मैंने लगभग लगभग 25 ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं एंड इनशाला टुमारो और 25 ऑब्जेक्टिव्स लाएंगे आपके लिए एंड उसी के साथ जो बाकी यूनिट्स बचते हैं तो उसके लिए भी हम आगे आपके लिए बहुत सारे एम लाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा तो लास्ट में जितना स्कोर आप लोग करोगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यस डिफेंस मैकेनिज्म्स हेल्प द पर्सन इन प्रोटेक्टिंग द ईगो फ्रॉम द ओपन एक्सप्रेशन ऑफ इद इम्पल्स एंड अपोजिंग अपोजिंग ये देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट है जिसमें वो इद ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट बता रहा है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है पेड़ क्लास में मैंने हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है बेसिकली तो ये जो ईद ईगो एंड सुपर ईगो है क्या क्या यानी ईद ईगो सुपर ईगो ये तीन चीज़ें हैं इंसान के माइंड में अगर आपने डायनेमिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पढ़ा होगा डायनेमिक ऑस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली ईगो की स्ट्रेटी है ये डिफेंस मैकेनिज्म इंसान को प्रोटेक्ट करता है ईगो को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द ओपन एक्सप्रेशन ऑफ ईद एंड अपोजिंग वॉट वट इज द अपोजिंग टर्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो पहला पहला इसमें है सुपर ईगो डायरेक्टिवज नंबर नेक्स्ट इज डेथ इंस्टिट थर्ड इज लाई इंस्टिट डी इज अनकॉन्शियस माइंड यही आंसर छुपा है वन इज अनदर इज सुपर ईगो एंड बीच में है ईगो तो व्हाट विल बी द राइट आंसर ए डिफेंस मैकेनिज्म ईगो इस्तेमाल करता है ये दोनों चीजों को यानी इद को और सुपर ईगो के डिमांड्स को फुलफिल करता है तो यहां तो इद ऑलरेडी मैंने बोला है इद यहां पे ऑलरेडी है एक्सप्रेशन ऑफ इद और अपोजिंग में इसके क्या आएगा एग्जैक्टली इट इज सुपर इगो डायरेक्टिव उम्मीद करता हूं कि ये आपने बहुत सही से किया होगा ठीक है बेटा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज दैट जस्ट अ सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन जो है यस सेकेंड क्वेश्चन इज न्यूरोटिक एग्जाइटी इज वन in which there occurs an emotional response to a threat to the ego that the impulses may break through into बहुत अच्छे से जवाब देना बेटा क्वेश्चन को समझेंगे पहले समझेंगे न्यूरोटिक एंग्जाइटी मैंने आपको पढ़ाया मॉरल एंग्जाइटी और न्यूरोटिक एंग्जाइटी मॉरल एंग्जाइटी इज रिलेटेड विद अनकॉन्शियस but neurotic anxiety jo hai it is related to what neurotic anxiety is one yes neurotic anxiety is one in which there occurs an emotional response to a threat to the ego that the impulse may break through into option 1 consciousness unconsciousness subconsciousness superego सुपर ईगो अगर आएगा तो इसके साथ आप मॉरल एंग्जाइटी लगाएंगे यह याद रखना है। लेकिन यहां पे ये बोल रहा है थ्रेट टू द ईगो व्हेन इट इज ईगो सो इट इज रिलेटेड विद यस यू आर राइट इट इज कॉन्शियसनेस तो क्वेश्चन नंबर टू द राइट ऑप्शन इज कॉन्शियसनेस ओके तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी नाइस ओके अ यंग मैन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा जो ये होते हैं ना अ यंग मैन आफ्टर फाइटिंग विद हर हजबेंड रिटर्न टू द पेरेंट्स होम ओनली टू अलाउ हर पेरेंट्स टू बेबी हर एंड फुलफिल देयर एवरी विश लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ ये देखो ये सारे जो चार ऑप्शन है ना ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं और डिफेंस मैकेनिज्म में आपको याद रखना है इफ इट इज रिलेटेड विद चाइल्डहुड एक्टिविटीज हर एंड फुलफिल दियर एवरी विश लाइक दैट ऑफ ए चाइल्ड ंग वोमेन आफ्टर फाइटिंग विद हजब रिटर्न टू द पेरेंट होम ओनली टू अलाउ हर पेरेंट्स टू बेबी हर एंड फुलफिल दियर एवरी विश लाइक दैट ऑफ ए चाइल्ड यानी एक औरत जो है वो अपने हजबेंड से लड़ लड़ते के बाद वो अपने मैके चली जाती है और उसको ना किस तरह से ट्रीट किया जाता है एक बच्चे की तरह उसकी एवरी विश को फुलफिल किया जाता है तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म याद रखना है जब ये चाइल्डहुड एक्टिविटी हो एक्टिविटी आप Uh, आप करते हो तो उससे आप अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हो तो उस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं इज़ इट रिप्रेशन इज इट रिग्रेशन इज इट फिक्सेशन और इज़ इट रिएक्शन फॉर्मेशन वॉट इज़ द राइट ऑप्शन माई डियर द राइट ऑप्शन इज़ हमेशा याद रखो चाहे आपको याद हो, याद हो या ना हो जब भी वर्ड आएगा ना चाइल्ड हुड लाइक एक्टिविटीज़ तो आपको याद रखना है इट इज़ रिग्रेशन रिग्रेशन रिप्रेशन का मतलब है आपने एंजाइटी वाली सिचुएशन को दबाया है किसमें अनकॉन्शियस में लेकिन रिग्रेस करना यानी आप चाइल्डहुड एक्टिविटीज करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज रिग्रेशन यस ये वाला क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा या क्वेश्चन नंबर फोर जो है द लास्ट स्टेज ऑफ साइको डेवलपमेंट इज अब ये साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट है इट वॉज गिवन बाई सिगमेंट फ्राइट राइट इन नाइनटीन हंड्रेड ओके और ये कितने स्टेज बता रहा है देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ाया है इट इज ओ ए एल पी जी याद रखेंगे कभी कभी ये ऑर्डर में भी आ सकता है ओ फॉर ऑरल ए फॉर अनल सॉरी सॉरी इट इज ओ ए पी एल जी ओ माई गॉड मुझे कैसे गलत हो सकता है औरल अनल फैलिक लेटेंसी एंड जेनेटियल सो माय डियर यहां पे क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज क्या है तो यहां से औरल अनल फैलिक लेटेंसी जेनेटियल सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन एग्जैक्टली इट इज जेनेटियल स्टेज ऐसे क्वेश्चन बेटा आ सकता है ये याद रखेंगे आप क्वेश्चन को जरा पढ़िए क्वेश्चन इज या क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव इज सिगमंड फ्राइड रिगार्डेड द फर्स्ट थ्री स्टेज ऑफ साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट दैट इज पीरियड ऑफ फाइव और सिक्स इयर्स ऑफ लाइफ टू बी डिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन को समझो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर फाइव है ना ये जो सिगमंड फ्राइड फर्स्ट थ्री स्टेज ऑफ साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट देखो क्वेश्चन को समझेंगे सिगमंड फ्राइड ने ये तीन स्टेज दिए या पांच स्टेज दिए हैं किसके लिए किस चीज को डेवलप करने के लिए इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी इमोशंस और ईगो द आंसर इज वेरी क्लियर तो जब हम सिगम फ्राइड की थ्योरी पढ़ते हैं वो भी साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट इट इज रिलेटेड विद द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन या इट इज बी ऑप्शन दैट इज राइट ओके सो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी ओके डर यस नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द सुपर इगो इज द इक्वलेंट ऑफ वॉट इज मोर कॉमनली नोन एज सुपर ईगो का दूसरा नाम क्या है बेटा मैंने तीन नाम बताए आपको क्लास में तीन नाम कॉमनली नोन एज नंबर वन कॉन्साइस साइंस पर्सनैलिटी लिबिडो नार्किसिजम सुपर ईगो का दूसरा नाम है मैंने ईगो आइडल भी बताया था और कॉनसाइंस यानी जमीर एक्चुअली इट इज ईगो को भी कहते हैं ईगो का जो सुपर रिलेटेड डिग्री है दैट इज ईगो आइडल एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद वॉट वी कॉल्ड एज कॉन साइंस तो क्या याद रखना है बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स में द सुपर ईगो इज इक्वेलेंट टू वट इज मोर कॉमनली नोन एज इक्वीवेंट कहता है ईगो आइडल की बात कर रहा है यानी ईगो से रिलेट करता है तो इट इज कॉल्ड कॉन साइंस तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है इट इज़ ए ऑप्शन दैट इज़ वेरी राइट आंसर यस अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन जो है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से ली है बिकॉज दिस इज़ यू नो वेरी मच इंपॉर्टेंट इरिक्सन की थ्योरी या ली वाइगास की थ्योरी जो है मेरे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना वो बहुत सिंपल और ईजी है इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं बट सिगमंड फ्राइड से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आज नेट का पेपर मैंने देखा तो नेट के पेपर मैंने भी मैंने ये साइकोसेक्चुअल uh, डेवलपमेंट से क्वेश्चन देखे हैं ठीक है तो इसलिए दिस इज़ यू नो वेरी मच इंपॉर्टेंट सिगमेंट फ्राइड को बहुत अच्छे से आप पढ़ना तो क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है अकॉर्डिंग टू फ्राइड द नेगेटिव ऑडिफस कॉम्प्लेक्स मे लेड टू अगर ऑडिफस कॉम्प्लेक्स फ्राइड का आप कॉन्सेप्ट देखेंगे फैलिक स्टेज में ये दो कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट होते हैं वन इज़ ऑडिफस कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेल चाइल्ड मदर के साथ ज़्यादा अटैच होता है हाँ अगर ये अटैचमेंट यहाँ से हिटीरो का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है अपोजिट सेक्स राइट लेकिन अगर ये नेगेटिव चला गया तो नेगेटिव में आप आई होप यू हैव गॉट द क्ल्यू व्हाट विल बी द राइट आंसर इज इट हिटीरो इज इट होमोसेक्चुअलिटी और इज इट नार्किसिज्म और इज इट कैस्ट्रेशन डी ऑप्शिन कैस्ट्रेशन या इट इज नाउ वेरी क्लियर अगर यहां पे क्वेश्चन होता पॉजिटिव ऑडिफस कॉम्प्लेक्स लीड टू इट इज डेफिनेटली हिटीरोसेक्चुअलिटी लेकिन यहां पे नेगेटिव बता रहा है तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर क्या है इट इज होमोसेक्चुअलिटी राइट इट इज क्वेश्चन नंबर सेवन ओके डियर और एक क्वेश्चन इसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर एट जो है द आइडिया यस द आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज वाज वॉज फ्रॉम फ्राइड अगर हम फ्राइड के डेवलपमेंटल स्टेज की बात करेंगे तो उसने ये कहां से बारो किया था अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि सिगमंड फ्राइड जो है वो एक फिजिशियन था इट डज इट मीन इसका कॉन्सेप्ट फिजिक्स से है नो सो सिंपल इट इज इट है बारोड फ्रॉम द बायोलॉजी सो

वन इज कॉन्शियस अनदर इज प्री कॉन्शियस अनदर इज अनकॉन्शियस और जब मैंने अनकॉन्शियस आपको पढ़ाया था मैंने कहा सिगमंड फ्राइड ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दिया था अनकॉन्शियस को बिकॉज इट इज द रिजर्वर ऑफ़ द ड्रीम्स रिजरवयर ऑफ द रिप्रेस्ड एनर्जीज दैट इज कॉल लिबिडल एनर्जी राइट सो ये जो ड्रीम्स जो है ड्रीम जब आप ड्रीम में होते हो जब आप सोते हो सोने के बाद आप ख्वाब देखते हो एट दैट टाइम योर माइंड इज वॉट योर माइंड इज अनकॉन्शियस सो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड ड्रीम्स आर द रॉयल रूट्स दीज आर द डिसगस्टेड इवेंट्स रॉयल रूट्स ये याद रखना ड्रीम्स आर द रॉयल रूट्स ऑफ ए पर्सन ये भी कभी क्वेश्चन आ सकता है आगे बढ़ते हैं या इन अ स्पेशल बुक फ्राइड एनालाइज द साइकोलॉजी ऑफ एरर एंड फाउंड द सोर्स ऑफ एरर इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको ईद ईगो सुपर ईगो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया ओके okay? तो याद रखेंगे देर इज ऑलवेज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वट एंड वट बेसिकली देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईद ईगो एंड सुपर ईगो लेकिन यहां पर आपको थोड़ा बहुत समझना है इज इट देखो इज इट ईगो एंड सुपर ईगो इज़ इट अनकॉन्शियस विश एंड कॉन्शियसेंसरशिप कॉन्शियस विश एंड अनकॉन्शियस सेंसरशिप ईगो एंड प्री कॉन्शियस तो इसका जो सही आंसर है बेटा ये याद रखेंगे आप कि जो सिगमंड्राइड के मुताबिक ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इट इज़ ऑलवेज बिटवीन द अनकॉन्शियस विश एंड सेंसरशिप यानी कॉन्शियस सेंसरशिप ये याद रखना है बेटा सो so, ये जो अनकॉन्शियस uh, जो है इट इज रिलेटेड विद ईद एंड कॉन्शियस सेंसरशिप जो है इट इज रिलेटेड टू ईगो क्योंकि अनकॉन्शियस ईद जो है ईद के डिमांड्स तब तक फुलफिल नहीं होंगे जब तक वो के, रियल नहीं होंगे तो देयर इज ए देयर इज ऑलवेज वट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन या सो माई डियर आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट इट इज बी ये याद रखना बेटा दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा ओके डियर नाउ क्वेश्चन नंबर अलेवन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर अलेवन क्या कह रहा है विच इज द प्लेस वायर द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइनड इन द बेस्ट वे यार ये तो भी कोई क्वेश्चन है इसको समझिएगा सबसे ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ से बेस्ट डेवलप हो सकती है ऑडिटोरियम में घर में प्लेग्राउंड में स्कूल एंड क्लासरूम व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर याद रखना है मैं एक ही पॉइंट बताऊंगा सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम टाइम स्कूल की मैं बात कर रहा हूं जहां पे मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है तो आपको याद रखना है इट इज स्कूल एंड द स्कूल एनवायरमेंट क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम एक बच्चा स्कूल में स्पेंड करता है इसलिए व्हाट इज द राइट ऑप्शन माय डियर टू द क्वेश्चन नंबर अलेवन इट इज स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट राइट या इट्स वेरी सिंपल चलिए भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड याद रखेंगे देर आर सोशल नीड्स देर आर साइकोलॉजिकल नीड्स देर आर बायोलॉजिकल नीड्स आपको देखना है कौन नहीं है क्या सोशल नीड एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ए चाइल्ड एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे ऑप्शन देखें रेगुलर इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी अगर आप इसको देखोगे तो ये तो सर बायोलॉजिकल है तो ये तो नहीं आएगा समझिएगा मैंने आंसर दिया सॉरी सॉरी मैंने आंसर ही दिया सोशल नीड क्या है कंपनी की नीड इट इज सोशल नीड हाय हाय नीड ऑफ एप्रिसिएशन सोशल अप्रूवल नीड ऑफ फॉर इमोशनल सिक्योरिटी ये तीनों जो है ये साइको सोशल नीड्स है लेकिन ये जो ए वाला है इट इज बायोलॉजिकल नीड सीनस क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन बोल रहा है के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स तो जाहिर सी बात है इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी जो है इट इज बेसिकली तो ये नहीं है तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही आंसर है आगे बढ़ते हैं माइंड मैपिंग का मतलब क्या है माइंड मैपिंग का मतलब है इज इट ड्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड

क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है अ टीचर शुड मेक एन टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल डायरेक्टली आते हैं बट ऐसे आ सकते हैं पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज और हर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू हिज ऑब्जेक्टिव तो कौन सा फील्ड इस ऑब्जेक्टिव को एकॉम्प्लिश कर सकता है इज़ इट मीडिया साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइको सोशोलॉजी एंड सोशल फिलासफी याद रखेंगे याद रखेंगे एक तरफ टीचर का कॉन्सेप्ट बता रहा है एक तरफ टीचर का कॉन्सेप्ट बता रहा है दूसरी तरफ स्टूडेंट के पोटेंशलिटीज़ जब टीचर की बात होगी ना तो ये एजुकेशन की से आएगा जब हम बच्चे के इनर पोटेंशियलिटीज की बात करेंगे इट इज साइकोलॉजी तो दोनों को मिलाने के बाद हमें एक फील्ड मिल रहा है दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन या इट इज बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन में आप देखोगे एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम Uh, principles of psychology ko apply karte into the field of education so that we can recognize or understand the potentialities of the students and teaching learning problems right yes okay question number 15 yeah this is very much important we have gone through this question number 15 kya bol raha hai children actively construct their understanding of the world is a statement attributed to ये जो चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ये स्टेटमेंट किसका है इज इट कोहलबर्ग इज इट सिकिना इज इट पयाजी इज इट बाय आंख बंद करके आप इसका आंसर दे सकते हो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर खुद देंगे कमेंट सेक्शन में ओके okay? और लास्ट में बताइएगा प्लीज आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं इरफान ब्रेक्स टॉयज ओके इरफान एक लड़के का नाम है वो टॉयज को ब्रेक करता है और इसको डिसमेंटल करता है ताकि वो इन चीजों को एक्सप्लोर कर सके आप क्या करोगे वॉट वुड यू डू अगर कोई बच्चा किसी खिलौने को डिसमेंटल करता है इसको तोड़ता है ताकि वो इन सभी पार्ट्स को एक्सप्लोर कर सके ये पार्ट्स ये कंपोनेंट्स क्या क्या है आप क्या करोगे नंबर वन नेवर लेट इट फन प्लेज टॉय क्या आप इसको खिलौनों से खेलने नहीं देंगे नंबर नेक्स्ट ऑलवेज कीप ए क्लोज वॉच आप इस पर कड़ी से कड़ी नजर रखोगे नंबर सी एनकरेज हिज इनक्विजिटिव नेचर एंड चैनल हिज एनर्जी डी ऑप्शन मेक हिम अंडरस्टैंड दैट टॉय शुड नॉट बी ब्रोकन क्या लगता है आपका ये वाला क्वेश्चन भी मैं आप छोड़ता हूं क्योंकि ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से यस yes, या yeah, आप इसको अच्छे से देख लेंगे इसका आंसर बिल्कुल इजी है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही दे पाओगे चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की बात करते हैं अ चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई वेन हिज ग्रैंड फादर हिम अवे फ्रॉम अदरस लैप द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू एक बच्चे को छीना जाता है एक वेन हिज ग्रैंड फादर मदर टेक्स हिम फ्रॉम मदर्स लैब तो ये क्यों ये क्राई करता है सोशल एंग्जाइटी होती है इमोशनल एंगजाइटी होती है स्ट्रेंजर्स एंग्जाइटी होती है सेपरेशन एंग्जाइटी होती है देखो भाई बच्चा बोल नहीं पाएगा सोशल एंगजाइटी तो नहीं होगी स्ट्रेंजर तो मदर या ग्रैंड ये तो स्ट्रेंजर नहीं है सेपरेशन ये उनसे दूर नहीं हो रहे हैं तो बचा कौन यस yes. इट इज़ इमोशनल एंग्जाइटी तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सॉरी नॉट फिफ्टीन इज इट सेवनटीन या इट इज सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सो इसका जो सही आंसर है वो बी है इट इज़ इट इज इमोशनल एंगजाइटी चलिए वॉट इज क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंसेप्ट फॉर्मेशन बाय अ चाइल्ड तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय एचएल देखो ये डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल स्टेज हमने पढ़े तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय अ चाइल्ड के रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है नंबर वन कॉन्सेप्ट आर इमोशनली ऑर्डर्ड बाय इट मेक्स नो सेंस देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आर नॉट हायरकल कॉन्सेप्ट्स और नॉट इंडिविजुअल देखो ये नॉट नॉट वाले आंसर जो है ना खुद ही इलिमिनेट हो जाते हैं तो इसलिए इसका सही आंसर है देर इज अ सेट ऑफ पैटर्न कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इमोशनल नथिंग टू डू विद द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन राइट कॉन्सेप्ट आर नॉट हायर आर्कल या कॉन्सेप्ट आर हायर आर्कल कॉन्सेप्ट आर नॉट इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट आर इंडिविजुअल सो वॉट इज द राइट ऑप्शन माइडिया तो चलिए इतनी एक्सप्लेशन की जरूरत नहीं है फट से आप जवाब देंगे देर इज एन सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ये चाइल्ड डेवलपमेंट की फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ है चाइल्ड ये स्टेटमेंट करेक्ट है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कॉग्नेशन अरे भाई मैंने आपको बिहेवियर पढ़ाया बिहेवियर में मैंने तीन चीजें आपको बताई काग्नेटिव एफेक्टिव साइकोमोटर कॉग्नेटिव हम थिंकिंग से रिलेट करते हैं एफेक्टिव हम फीलिंग से रिलेटेड करते हैं साइकोमोटर हम डूइंग से रिलेट करते हैं अब आप मुझे बताएंगे जो कंपोनेंट कॉग्निशन है इसमें क्या थॉट और अटेंशन अभी मैंने बताया ना एफेक्टिव इज रिलेटेड टू फीलिंग तो फीलिंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन बाकी कॉग्निशन में आपके थॉट भी आएंगे अटेंशन भी आएगा परसेप्शन भी आएगा इसलिए बच्चा इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का वो ए है दैट इज फीलिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात ओ, ये, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है चले विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटर instruction इंस्ट्रक्शन इज दैट इंटर इस वर्ड को समझिएगा बेटा दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट तो इसको जरा देख लो इंटर ए ऑप्शन क्या है बेटा ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू डेवलप ए डिसलाइक फॉर पर्टिक्युलर टॉपिक्स जहां जहां पे आपको लगेगा ना ये नेगेटिव वाले कॉमेंट जो नेगेटिव वाले जो ऑप्शन हैं उनको आप पहले से एलिमिनेट किया करो बी ऑप्शन द टीचर आर परमिटेड ग्रेट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग लेसन एंड एक्टिविटीज ग्रेट नंबर सी स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्न नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देख लेना बेटा दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डी ऑप्शन क्या है टीचर्स आर लेस लाइकली इसमें अगर आप नेगेटिव कमेंट देखोगे ना नेगेटिव लेस लाइकली ये भी नेगेटिव है लेस लाइकली ये भी नेगेटिव कमेंट है ठीक है अगर ये वाला बी ऑप्शन देखोगे और सी ऑप्शन इसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में जो स्ट्रोंग प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है दैट इज मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट यानी हम हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो नॉलेज लर्न कर, कर सके मगर कहाँ से मल्टीपल कॉन्टेक्सट मल्टीपल कॉन्टेक्सट को ही कहते हैं बेटा इंटर डिसप्लिनरी सो वॉट इज द राइट ऑप्शन माई आइडिया ट्वेंटी का सी ऑप्शन राइट है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की ओर चलते हैं लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉक्ट ऑप्शन ए थ्रू इमिटेशन इन आइसोलेशन थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन इन एन इंटीग्रेटेड मैनर सिंपल है सर स्किल लैंग्वेज को हम इमिटेशन से भी सिखा सकते हैं अकेले में भी सिखा सकते हैं विद क्लियर एक्सप्लेनेशन तो इन एन इंटीग्रेटेड मैनर तो इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब है ये ऑल द थ्रीज सो इट इज द डी ऑप्शन दैट इज वेरी राइट आंसर आई होप बेटा यू आर वेरी मच गेटिंग द पॉइंट क्लियरली राइट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हैज द मोस्ट इंपैक्ट ऑन आर डेवलपमेंट नीचे दिए गए बहुत सारे सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं बेटा एजुकेशन है फैमिली है मैथ मीडिया है ग्रुप पियर ग्रुप है इनमें से आपको चूज करना है कि सबसे बढ़िया इंपैक्ट डेवलपमेंट में किन का रहता है एग्जैक्टली इट इज़ नन अदर देन या फैमिली है ना बेटा सिंपल इट इज़ फैमिली सो फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट सो दैट इज वाई द मोस्ट इंपैक्ट जो हमारे डेवलपमेंट में होता है वो फैमिली का होता है ओके नंबर नंबर ट्वेंटी थ्री सोशलाइजेशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज बताओ इसका आंसर दो जल्दी से नंबर ए ऑप्शन इट एंश्योर्स दैट वी आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी देखो ये बाउंड समझना है बेटा सोशलाइजेशन प्रोसेस हमने अच्छे से पढ़ा बिकॉज इट एंश्योर दैट वी आर बाउंड बाई सोशल रूल्स ऑफ द सोसाइटी इट अलाउज अस टू ओवरकम आवर इड बायोलॉजिकल इंस्टेंट्स इट फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ मेल एंड फीमेल रूल्स इन द सोसाइटी इट शेप्स आर आइडेंटिटी एंड सेल्फ अगर इन चार ऑप्शन में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है ना इट इज दिस आई एम श्योर कि आपने इसी ऑप्शन को टारगेट किया होगा यस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच वट आर सम ऑफ द होम इंफ्लुएंसिस दैट कंट्रीब्यूट टू सेक्स डिफरेंसेस इन एबिलिटी ये बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है ए पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, कंट्रीब्यूशंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चिल्ड्रन। एक्सटर्नलाइज पेरेंट्स वेव यहां पे गड़बड़ लग रहा है एक्सटर्नलाइज की वजह से आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी पेरेंटल एक्सपेक्टेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज ओनली ये भी गड़बड़ कर रहा है ठीक है बेटा सी ऑप्शन देखिए पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चिल्ड्रन इंटरनलाइज पेरेंट्स वेव ये अच्छा खासा इसमें दम लग रहा है हाँ डी ऑप्शन पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एक्सट अरे बाई एक्सपेक्टेशन देखो ये ये दोबारा आया है मेरे ख्याल से पेरेंटल एक्सपेक्टेशन या यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस है और यहाँ पे एट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन और एट्रिब्यूशन एट्रीब्यूशन मीनज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जिसमें हम चिल्ड्रन को एक्सटर्नलाइज पेरेंट्स व्यू तो एक तो पेरेंट्स व्यू को इंटरनलाइज़ करना है किन को एट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को सो दैट इज वाई इट इज द सी ऑप्शन दैट इज वेरी राइट आंसर इट इज द इट इज द सी ऑप्शन दैट इज वेरी राइट आंसर यस पेरेंटल द कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गर्ल चिल्ड्रन इंटरनलाइज पेरेंट्स व्यू नॉट एक्सटर्नलाइज ओके, ओके, यस, आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन अ टीचर ऑफ क्लास टेन इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन वेरियस ग्रुप एक्टिविटीज ओके जिगर एक टेंथ क्लास का टीचर सभी बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है दिस प्रोसेस विल फैसिलिटेट द चिल्ड्रंस लर्निंग एंड ऑल्सो हेल्पस इन इससे क्या होगा नंबर ए ऑप्शन सोशलाइजेशन वैल्यू एजुकेशन एग्रेशन इंडिविजुअलाइजेशन जाहिर सी बात है अगर हम ग्रुप में काम करेंगे तो ग्रुप में अगर मिल बांट के काम करेंगे सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा सो दिस इज नन अदर देन या दैट सोशलाइजेशन दैट इज सोशलाइजेशन है ना सिंपल या वेरी सिंपल ओके देखते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ओके okay, ओके okay. हाँ क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स एट वट टाइम ऑफ लाइफ डज इरिक्सन स्टेज इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी ऑकर्स आपके लिए एक होम uh, असाइनमेंट है होम असाइनमेंट क्या आप आप लगे ही रहे हो प्रेपरेशन में आपको इरिक्सन की थ्योरी जो है जिसमें कितने स्टेजेस मैंने बताए एट स्टेजेस में उन आठ स्टेज में से ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रियोरिटी किस ग्रुप में आता है याद करो इज इट ओल्ड एज अडोल्ट सेंस स्कूल अडल्ट तो अगर हम अच्छे से देखेंगे इन पीरियड में मैं अभी अभी आपको बताऊंगा लेकिन एक स्टेज है जिसको हम स्कूल एज कहते हैं स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है सो इट इज द डी ऑप्शन दैट्स वेरी राइट आंसर मैंने पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से गो टू द लेक्चर अगेन एंड रिपीट दैट ओके तो यू विल गेट इट डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आई थिंक दिस इज द लास्ट वन अकॉर्डिंग टू इरिक्सन स्टेज ऑफ साइको ओके द लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू इरिक्सन इज एट stages of psychosocial development during which age does the psychological stage trust versus mistrust to develop this is the देखो देखो early childhood, infancy, adolescent adulthood, old age in इनमें se aapko appropriate choose karna hai अगर आप लोगों ने वाकई Erikson story पढ़ी है तो ये वाला question कभी गलत था नहीं करोगे या yeah, exactly it is infancy period जिसको हम कहते हैं trust versus mistrust ये सारे आठ stages जो है आप जाके इसको पढ़ लेंगे इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और मैं इनशाला कल यूनिट सेकंड में और क्वेश्चंस लाऊंगा और प्लस कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हम यूनिट नंबर थर्ड से भी लाएंगे ओके टिल देन थैंक यू में अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है बेटा आ, मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगा कि आप लोगों ने मेहनत की है तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा ठीक है वंस अगेन थैंक यू May अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज़ लर्निंग